Hello students, welcome all of you in today's lecture. In previous lecture we have seen about pollution, what is meant by pollution, then which are the causes of pollution, as well as harmful effects of pollution on the environment, on the water, on the human being, etc. Same way we have covered about information, solid waste, what is meant by solid waste, then classification of solid waste, how solid waste is classified, right? In that we have seen about biodegradable waste, non-biodegradable waste, medical waste, e-waste, etc. As well as we have covered the effect of solid waste on the environment as well as on the human being. So harmful effects जो होते हैं वो information हमने देखी, and last में हमने देखा था कि necessity of solid waste management, क्यों जरूरत है solid waste management की, जिसमें हमारा environmental balance maintain रहने के लिए एंड ह्यूमन बीइंग के लिए एक हारमोनी मेंटेन होना है, उसके लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कैरिड आउट, किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्टूडेंट हमारा इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज इंफॉर्मेशन लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. फर्स्टली What is meant by solid waste management? ये तो हमने देखा. How we can complete this solid waste management? So various scientific and eco-friendly ways are there for this solid waste management. Which are these? One by one we will see. First important practice for this solid waste management is separation and categorization of waste. जो भी waste घर में तैयार होता है, industry में तैयार होता है, तो उस waste को हमें categorize करना है. जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट एक जगह पे, डिग्रेडेबल वेस्ट एक जगह पे, मेडिकल वेस्ट एक जगह पे, प्लास्टिक ई वेस्ट एक जगह पे, इस तरह से हमें सेपरेशन करना है वेस्ट का, ताकि उसका फर्दर प्रोसेसिंग उसके ऊपर किस तरह से किया जा सकता है ये हमें क्लियर कट पता चले. जैसे डिग्रेडेबल वेस्ट है तो हम सॉइल में उसको डंप करेंगे, उससे जो कंपोस्ट तैयार होगा वो फार्मर्स को देंगे. कुछ प्लास्टिक वेस्ट है तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ई वेस्ट है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं. तो इस तरह से हमें बेनिफिट होंगे अगर हम वेस्ट को सेपरेट करेंगे या उनका कैटेगराइजेशन करेंगे, राइट. सेकंड इफेक्टिव वे है, दैट इज कंपोस्टिंग. जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट तैयार होता है तो वो डिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे ओपन प्लेस पे डंप नहीं करना चाहिए, उसके लिए पिट, जिसको हम लैंडफिल साइट भी कहते हैं, वो हमें तैयार करने चाहिए. एंड जितना भी डिग्रेडेबल वेस्ट है वो लैंडफिल साइट में अगर हमने पुट कर दिया एंड 2 to 3 months तक उसको ठीक से कवर किया, तो वेल क्वालिटी कंपोस्ट वहां पे तैयार होता है, जो कंपोस्ट हम फार्मर की फील्ड में यूज कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, ना पोल्यूशन होता है, ना हार्मफुल इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट होता है. एक बेनिफिट ही होता है इससे कि फार्मर को वेल क्वालिटी कंपोस्ट मिलेगा, और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, राइट. तो कंपोस्टिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव वे. देन थर्ड वे है, दैट इज सेफ लैंडफिल साइट्स. जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपोस्ट हम इस लैंडफिल साइट्स में तैयार कर सकते हैं, तो ये कहाँ होने चाहिए लैंडफिल साइट्स, तो सिटी के बाहर होने चाहिए, सिटी से दूर होने चाहिए, ठीक है. क्योंकि जो नियर बाय एरिया रहेगा लैंडफिल साइट के, वहां पे इन डिग्रेडेबल वेस्ट के वजह से जो स्मेल आता है, तो उस स्मेल का इफेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए. इसके लिए लैंडफिल साइट सिटी से थोड़े दूर होने चाहिए, जहाँ पे लिविंग एरिया नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ऐसे दूर जगह पे लैंडफिल साइट्स चाहिए. एज वेल एज वो लैंडफिल साइट, उनकी डेप्थ प्रॉपर चाहिए. जब भी ये लैंडफिल साइट पूरी तरह से फुल होगी तो उसको प्रॉपरली कवर करके कर लेना चाहिए. इस तरह से अगर हम सेफ लैंडफिल साइट्स बनाते हैं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ पोल्यूशन भी हम कम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इफेक्टिव वे है, दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग. जब भी हम वेस्ट के टाइप्स देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर वेस्ट इज देयर. तो एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या आता है, काउ डंग, देन स्ट्रॉज, स्टबल्स, तो ये जो लीव्स, तो ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इस वेस्ट को जनरली फार्मर्स बर्न करते हैं. बट बर्निंग की वजह से क्या होगा, ऐश तैयार होती है और पोल्यूशन भी होता है एयर का. तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक जगह पे कलेक्ट करना है. तो आजकल एक न्यू टेक्निक आई है, दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग. तो एक वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड्स रहते हैं, तो इन बेड्स में हमें इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को डालना है. वहां पे अर्थवर्म, जो कि आपने सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. तो ये अर्थवर्म अगर हमने इस एग्रीकल्चरल वेस्ट
जहाँ पे हमने डंप किया है वहां पे अगर रिलीज किए तो 3 to 4 months में ये प्रॉपरली उस एग्रीकल्चरल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वजह से वहां पे एक वेल क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और जो न्यूट्रिएंट रिच रहता है, फार्मर अगर उसे सॉइल में अपने फील्ड में यूज करेगा तो सॉइल की न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मींस व्हाट, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसका एक प्रॉपर यूज हम कर सकते हैं एज ए वर्मी कंपोस्ट, राइट। देन नेक्स्ट इफेक्टिव वे है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज लैंडफिल मेथड। अब इंडस्ट्रीज में मेटल्स, देन हार्मफुल प्लास्टिक मटेरियल और सम केमिकल्स ये इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। अब इनको जनरली ओपन प्लेसेस पे डंप किया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर डेप्थ के, ज्यादा डेप्थ के लैंडफिल साइट्स अगर हमने बनाए वहां पे ये मेटल्स और प्लास्टिक अगर हमने बरीड किया तो पोल्यूशन नहीं होने वाला है, राइट, एनवायरमेंट को हार्म नहीं होने वाला है। और बरीड किया हुआ है तो बैरन लैंड जहाँ पे रहेगी वहां पे हमने ये बर्ड किया होगा तो सॉइल पोल्यूशन भी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से तैयार होगा उसको ओपन प्लेस पे डंप नहीं करना है, प्रॉपर लैंडफिल साइट बना के वहां पे उसको हमें डंप करना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मीन्स व्हाट, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। अब फॉर एग्जाम्पल है बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो बायोगैस ये जो नॉन एग्जाम्पल है, आप सब लोगों को पता होगा कि जो भी वेस्ट एग्रीकल्चर का हो या घर का डोमेस्टिक वेस्ट हम जिसको कहते हैं, विच इज डिग्रेडेबल इन नेचर, तो इस वेस्ट को बायोगैस प्लांट में पुट किया जाता है। एक एक्चुअली सेपरेट कंटेनर रहता है जिसमें ये वेस्ट डालने के बाद वहां पे अनएरोबिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मिथेनोजिनस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और वहां पे एक मिथेन गैस वहां पे तैयार होता है जिसका यूज हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम पायरोलिसिस। तो ऐसे बायोगैस प्लांट हमें कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, बायो इलेक्ट्रिसिटी हम बायोगैस प्लांट की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। तो वेस्ट जो भी हम डिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्ट का बनाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम इस डिग्रेडेबल वेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बायोगैस प्लांट में या बायो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाले प्लांट्स में ये डिग्रेडेबल वेस्ट को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन को भी हम मिनिमाइज करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट वे है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब जैसे आप सब लोगों को पता है कि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज इतने इम्प्रूव हुए हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में ये मेडिकल वेस्ट क्रिएट होता है, तो ये मेडिकल वेस्ट जनरली हॉस्पिटल्स बैग में पैक्स करके वो बैग ऐसे ओपन प्लेसेस पे जनरली डालते हैं, बट आजकल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल किया है कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते या रीयूज नहीं कर सकते, बट इनके डिस्पोजल के प्रॉपर मेथड रहते हैं, तो वो प्रॉपर मेथड से अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करेंगे तो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता। सो इन दिस वे बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली टेक्निक्स वी कैन प्रॉपरली इंप्लीमेंट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वंस अगेन हम एक बार रिवाइज करेंगे कौन से वो टेक्निक्स हैं, तो सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, देन कंपोस्टिंग, देन सेफ लैंडफिल साइट्स, देन वर्मी कंपोस्टिंग, देन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय यूजिंग लैंडफिल मेथड, देन एनर्जी प्रोडक्शन बाय यूजिंग डिग्रेडेबल वेस्ट दैट इज बाय यूजिंग बायोगैस और बायो इलेक्ट्रिसिटी कॉमनली कॉल्ड एज पायरोलाइसिस, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दीज आर द साइंटिफिक टेक्निक्स, क्लियर। नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने हैं, तो नियर अबाउट 7 प्रिंसिपल्स है जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो एक इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ज्यादा हमें एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, डे टू डे लाइफ में अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ज्यादा सॉलिड वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सॉलिड वेस्ट किस तरह से पर्टिकुलर प्लेस की ब्यूटी खराब कर देता है, नेचर की ब्यूटी खराब कर देता है, वो भी नहीं होगा अगर हम सिंपल ये 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। तो क्या है ये प्रिंसिपल्स और किस तरह से हमें ये करना चाहिए ये अब हम देखेंगे। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज रीयूज। तो जनरली हम मार्केट में जो भी चीज हम खरीदते हैं तो उसके मल्टीपर्पज यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कंटेनर में अगर हमने कुछ चीज लाई है मार्केट से और वो सब्सटेंस या वो जो भी मटेरियल हो हमने यूज करने के बाद
वो जो प्लास्टिक कंटेनर है वो थ्रो नहीं करना चाहिए, हम उसका रीयूज कर सकते हैं। बाकी के बहुत सारे हमारे काम रहते हैं जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि किचन में वेरियस सब्सटेंसेस या जो किचन की जो चीजें रहती है उसको स्टोर करने के लिए हमें प्लास्टिक कंटेनर की जरूरत होती है, तो यही मार्केट से जो हमने कोई पैकेज पैक्ड फूड लाया हुआ होता है उस कंटेनर में, वही कंटेनर हम यहाँ पे किचन में यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी वर्क के लिए हम सेम चीज अगर यूज कर सकते हैं तो हमें वो करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो रिसोर्स है उसका यूज भी मिनिमाइज होगा, और वो कंटेनर अगर आप ओपन प्लेस पे फेंक देते थे तो पोल्यूशन होता था, वो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से बेसिक प्रिंसिपल हमें आज से वो ध्यान में रखना है कि जितने चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज रिफ्यूज। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, से नो, कि आप एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस को या आर्टिकल्स को नो कहना है, मतलब आप उनको यूज नहीं करना है। अगर सपोज आप किराना शॉप में गए या किसी भी शॉप में गए और आपने कुछ परचेस किया है मटेरियल, और वहां पे जो शॉपकीपर है उसने अगर वो मटेरियल आपको प्लास्टिक बैग में या थर्माकोल की किसी बैग में देने की कोशिश की, तो यू शुड हैव टू से नो। जहाँ पे आप कॉटन बैग या घर में जो भी एक क्लॉथ की बैग रहेगी वो लेके जा सकते हैं, और आपने तो नो ही कहना ही है, बट उसको भी बताना है कि आप ये एनवायरमेंट डिग्रेड करने वाली चीजों का इस्तेमाल मत करिए, राइट। सो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप जो भी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल चीज है उसका यूज अगर रिफ्यूज कर देते हो, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंट को सेव करने में होगा, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम हेल्प कर सकते हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज रिसाइकल। जैसे रिसाइकल मीन्स एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद अगर वो मटेरियल खराब होता है तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं फिर से फैक्ट्रीज में। जैसे कि पेपर है, ग्लास है, तो जहाँ पे सपोज आप नोटबुक जो आप जनरली राइटिंग के लिए या अपने एजुकेशन के लिए यूज करते हो, तो वो खत्म होने के बाद उसको रिसाइकल किया जा सकता है। इसके लिए हमें उसको फिर से पेपर इंडस्ट्री में भेजना पड़ता है, वहां पे अगर वो गए तो फिर से वो न्यू नोटबुक बनाते हैं, मतलब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होता है। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास, जैसे कि आपको पता है कि हीट तैयार करके, हीटिंग करके एक्चुअली ग्लास बनाई जाती है, तो एक बार ग्लास ब्रेक हो गई तो हमें उसको थ्रो नहीं करना चाहिए। हमने फिर से उसको ग्लास इंडस्ट्री में अगर भेज दिया तो न्यू प्रोडक्ट सेम वैसा तैयार कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हम इसको कहते हैं, रिसाइकल इज द थर्ड प्रिंसिपल। तो जितने भी चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज रीथिंक। हमारे एक्टिविटीज, हमारे डेली हैबिट्स, इनके ऊपर हमने थोड़ा सोचना चाहिए कि सच में हम जो एक्टिविटी करते हैं तो वो जरूरी है क्या, उस एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट को कुछ हार्म होता है क्या, तो ये हमें सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पिकनिक के लिए गए हो पेरेंट्स के साथ, और पिकनिक को जाते समय आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आप कुछ ना कुछ पैक्ड फूड मटेरियल खाने के लिए परचेस करते हो, जैसे कि चिप्स है या आइसक्रीम वगैरह है, और जब जैसे ही आप ये खा लेते हो तो वो प्लास्टिक मटेरियल जो जिसमें आपने चिप्स परचेस किए थे या जो आइसक्रीम आपने परचेस की थी, वो प्लास्टिक मटेरियल वो कंटेनर का आप क्या करते हो, तो जहां पे आप गए थे घूमने के लिए वहीं पे आप इसको थ्रो कर देते हो, राइट। वहां पे डस्टबिन है तो इवन तो आप डस्टबिन में भी नहीं डालते हो। तो सच में हमारी ये एक्टिविटी एनवायरमेंट के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, हमने सोचना चाहिए, राइट। तो जब भी हम एनवायरमेंट में जाएंगे तो वो एनवायरमेंट को या उस नेचर को हमें एंजॉय करना है, ना कि उसको हमें हार्म पहुंचाना है। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स कोई भी एक्टिविटी आप जब करेंगे तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है, ये हमें सोचना चाहिए। इसको कहते हैं रीथिंक। अगर हमने ये सिंपल सी बात भी कर ली, अरे इस एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है तो मुझे नहीं करनी चाहिए, मतलब आपने रीथिंकिंग किया, तो ऐसे एक पर्सन ने भी रीथिंकिंग चालू किया तो जितनी भी आबादी है पूरे वर्ल्ड में, हर एक पर्सन की रीथिंकिंग की वजह से कितनी प्रॉपर वे से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, एंड हम कितने अच्छे तरीके से हमारे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आप समझ जाएंगे, राइट। सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज रिड्यूस। अगर आप इन चारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, तो ये रिड्यूस इसका तो यूज हम कंपलसरी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है कि एक एक आधा नेचुरल रिसोर्स उसका कितना यूज करना चाहिए, ये टोटली हमारे हाथ में है।
राइट। अब प्लास्टिक है सपोज, तो कितना यूज करना चाहिए प्लास्टिक का? एवरी टाइम अगर आप मार्केट में जाते हो तो न्यू बैग परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्लास्टिक बैग बार बार यूज कर सकते हो। मतलब यू आर यूजिंग द और सॉरी यू आर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, राइट। रिड्यूस करना है, जितने भी मटेरियल आप ओल्ड मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं उतना करिए। न्यू एवरी टाइम न्यू मटेरियल परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूज भी रिड्यूस कर देंगे, जो भी सपोज आप कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसमें प्लास्टिक कंटेनर के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता है, तो वहां पे तो हमें वो प्लास्टिक यूज ही करना पड़ेगा। बट वही प्लास्टिक का यूज हम बार बार अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ प्लास्टिक रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, विच इज आवर फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेस। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो यूज उतना आप मिनिमाइज करिए, ये हमारे नेचर के लिए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूजफुल रहेगा। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज रिसर्च। हमेशा जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कुछ ऐसे मटेरियल्स है, ऐसा वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट डिग्रेड नहीं होता है जनरली, बट आजकल रिसर्च इतना आगे गया है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हम डिग्रेड कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियल्स बैक्टीरिया के स्पेसीज है जिनकी हेल्प से हम ये रेडियो एक्टिव वेस्ट भी डिग्रेड कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट के बहुत सेवियर इफेक्ट्स ह्यूमन बींग के ऊपर होते हैं, बट इतना रिसर्च आगे गया है कि हम इसको भी डिग्रेड कर सकते हैं। एज वेल एज आपने ऑयल स्पिल्स वर्ड सुना होगा कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलता है वहां पे अगर बाय मिस्टेक वो शिप का एक्सीडेंट हो गया तो वो पूरा ऑयल सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। बट आजकल ऐसे कुछ बैक्टीरियल एंड फंगल स्पेसीज है जिनकी हेल्प से हम इन टॉक्सिक केमिकल्स की टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं जो कि वाटर सरफेस पे स्प्रेड हुआ है। अगर हम टॉक्सिसिटी कम करेंगे तो एक्वेटिक पॉपुलेशन की डेथ नहीं होगी, हम उनको बचा सकते हैं। तो इस तरह से रिसर्च कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। हमें डेवलपमेंट तो हम नहीं रुका सकते, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चालू रहने वाली है, बट डेवलपमेंट की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, तो इसके किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इसके बारे में रिसर्च कंटिन्यूअसली चालू रहने चाहिए। तो ये एक सिक्स प्रिंसिपल है। देन सेवन्थ विच इज लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सेल्फ रेगुलेशंस अपने आप में अडॉप्ट करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो लॉज रूल्स एनफोर्स करता ही है। अब जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप ओपन प्लेस पे प्लास्टिक या कोई रैपर डालते हो और वहां पे अगर कारपोरेशन के लोग या गवर्नमेंट के लोग आपको देखते हैं तो वो आपको फाइन इम्पोज करेंगे, राइट। ये तो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज है। अगर आपने सेवियर डिस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट को किया तो यू वन दो आपको प्रिजन में भी जाना पड़ सकता है। इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, रूल्स है, बट हमें वो लॉज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन अपने आप में होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर है ये हमारे लिए ही है, हमने उसका यूज ठीक से करना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज पब्लिक अवेयरनेस। जैसे कि स्कूल पीरियड में जब स्टूडेंट्स रहते हैं उनको अगर हम एनवायरनमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली देते रहेंगे तो उनके बिहेवियर में चेंज आता है। सपोज राइट नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, यहाँ पे अगर आपको बार बार हम ये चीजें बताएंगे कि किस तरह से आपके एक्टिविटी की वजह से या रेगुलेशन ब्रेक करने की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, तो ऑब्वियसली वो सुन के आपके बिहेवियर में चेंज होगा। इसको ही कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस। या हमें ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए जिस कैंपेन्स में हम लोगों को बताएंगे कि हमारे एक्टिविटी की वजह से किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम कितना सेवियर है। तो हम वेरियस स्किट्स ड्रामाज इनकी हेल्प से हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़। हमें ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। आजकल आप न्यूज़ पे देखते होंगे कि वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं जहाँ पे एक्ट्रेस एक्टर्स ये भी पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो इस तरह से रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस अगर हम करते हैं तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कम होगा एज वेल एज प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। तो ये 7 प्रिंसिपल्स का यूज आपको करना है। नाउ सम हैबिट्स कि जिनको अगर हम अडॉप्ट करेंगे
तो हम इजीली वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये डे टू डे लाइफ की हैबिट है, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक काम करना नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है जो आप इजीली कर सकते हो, ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली आपको फॉलो करना है 3R मंत्र। 3R मंत्र क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जैसे कि हमने प्रिंसिपल में भी ये चीजें, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखा है कि यूज रिड्यूस करो, देन जितनी चीजों का आप बार बार रीयूज कर सकते हो वो करो, देन रिसाइकल। रिसाइकलिंग अगर पॉसिबल है, जैसे कि मेटल्स है, प्लास्टिक है, देन पेपर है, तो इनको आप रिसाइकल करो। तो ये भी करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट इजीली होता है और ये हमारे हाथ में है। देन नेक्स्ट जो हैबिट हमें होनी चाहिए कि थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स इन टू द डस्टबिन। अब आजकल आप देखते होंगे कि टूरिस्ट प्लेसेस पे या विलेजेस में, सिटीज में, जगह जगह पे ये डस्टबिन रहते हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग रहते हैं, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग रहते हैं। तो आपके पास जो भी रैपर्स वगैरह है तो आपको इस डस्टबिन में डालने हैं। इतनी हैबिट भी आपने लगा ली तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस की ब्यूटी मेंटेन कर सकते हो। तो इसके बाद आपको कंपलसरी वेस्ट मटेरियल के लिए डस्टबिन ही यूज करना है, वो घर में होना या आप बाहर हो, कहीं पे भी आप हो, डस्टबिन कंपलसरी आपको यूज करना है, राइट। देन अवॉइड अवॉइडिंग लिटरिंग, जैसे कि ओपन प्लेसेस पे लिटरिंग जनरली किया जाता है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे ये किया जाता है, तो ये हमें अवॉइड करना है। इसके इसकी वजह से स्मेल या एनवायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट हैबिट जो है कि अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, एंड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वी शुड यूज द क्लॉथ बैग्स और बैग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड सारीज और बेडशीट और कर्टन्स। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कंपलसरी ऐसा नहीं है कि जिस शॉप पे आप शॉपिंग करने वाले हो वहां से एक प्लास्टिक बैग परचेस करके उसी बैग में वो मटेरियल आप लेके आइए। तो आप घर से भी जाते समय क्लॉथ बैग लेके जा सकते हैं, जूट बैग है या घर में जो ओल्ड क्लॉथ रहते हैं उनसे आप ये बैग बना सकते हैं और वो बैग लेके आप यहाँ शॉपिंग के लिए या कुछ मटेरियल खरीदने के लिए जा सकते हैं। अब जितना आप ये डिग्रेडेबल चीजों का यूज करेंगे उतना ही प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज होने वाला है। तो आज के बाद हमें ये हैबिट लगानी है कि हम प्लास्टिक का यूज ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करेंगे, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे हम क्लॉथ बैग और जूट बैग यूज करेंगे कंपलसरी। अगर अगर ये क्लॉथ बैग, जूट बैग हमें परचेस नहीं करना चाहते हैं यार, तो घर पे जो ओल्ड क्लॉथ रहते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका यूज करके भी आप बैग बना सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमें ये हैबिट लगानी चाहिए। देन नेक्स्ट हैबिट है यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। एक सिंपल हैबिट है, आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। जनरली हम वन साइड पेपर, वन साइड लिखते हैं पेपर के ऊपर, तो व्हाई शुड वी नॉट यूज बोथ द साइड्स। तो हमें बोथ द साइड्स का यूज करना चाहिए, देन इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम होगी। मतलब हम एक तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बनते समय वुड यूज किया जाता है, वुड का पल्प यूज किया जाता है। तो जितना ज्यादा हम पेपर यूज करेंगे उतने ज्यादा प्लांट्स कट होने वाले हैं, राइट। और जितना हम पेपर कम यूज करेंगे उतने ही प्लांट हमारे सेव होने वाले हैं। तो आपकी एक छोटी सी हैबिट हमारे प्लांट को बचा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो आज के बाद से जितना मैक्सिमम यूज आप उस पेपर का कर सकते हो उतना आपको करना है। देन नेक्स्ट हैबिट है दैट इज रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। जनरली आपने देखा होगा कि एवरी फेस्टिवल के समय में ग्रीटिंग कार्ड्स घर पे आते हैं, या किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट को रैप किया जाता है। तो हम वो क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हम पढ़ने के बाद फेंक देते हैं डस्टबिन में, नहीं तो गिफ्ट पेपर्स जो रहते हैं, जो रैप किया हुआ है गिफ्ट, वो पेपर निकाल के हम थ्रो कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कार्ड वी कैन रीयूज, हम उसको अलग तरीके से डिजाइन करके रीयूज कर सकते हैं, तो हमें उसको करना चाहिए, राइट। और जो गिफ्ट रैप होके हमारे पास आया था वही रैप पेपर हम सेकेंड टाइम अगेन गिफ्ट को रैप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी हैबिट है जिससे आप वो रैप पेपर्स का रीयूज करते हो और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से भी बचाते हो। तो इस तरह से डेली लाइफ में अगर हम कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो हम वेस्ट मैनेजमेंट में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप इसके बाद आप आपके डेली लाइफ में ये हैबिट्स को अडॉप्ट करोगे और इसी तरह से आप बिहेव करोगे। देन नेक्स्ट वन है अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज वंस ओन हैंडकरचीफ। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए या कहीं बाहर आप जाते हो तो
टिश्यू पेपर आप क्लीनिंग के लिए यूज करते हो, बट ये टिश्यू पेपर किससे बनता है? पल्प से ही बनता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज नहीं करना चाहिए। हमारा जो हैंडकरचीफ रहता है हम उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वॉशेबल रहता है, टिश्यू पेपर वॉशेबल नहीं है, तो हमें टिश्यू पेपर का यूज अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारी हैबिट होनी चाहिए, दैट इज यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज, राइट। जैसे कि आप लीड बैटरीज एक बार खत्म हो गई तो उसको हमें थ्रो ही करना पड़ता है, ओके। और थ्रो करेंगे मतलब हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज रिचार्जेबल बैटरीज जिनका यूज हम बार 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 कर सकते हैं, राइट। ये एक हैबिट हमें लगानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट वन है इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग और एनकरेजिंग द फैमिली एंड सोसाइटी। ये हमारे हाथ में है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स हमारे सोसाइटी में अरेंज कर सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है तो ये हमें करना चाहिए। देन नेक्स्ट हैबिट है दैट इज अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप, दैट इज हम बहुत बार ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि दिस इक्विपमेंट और दिस सब्सटेंस इज यूज एंड थ्रो टाइप, हम यूज करेंगे उसको फेंक देंगे। जैसे कि आजकल मार्केट में प्लास्टिक कप्स मिल रहे हैं, पेपर कप्स मिल रहे हैं, तो यूज एंड थ्रो टाइप, तो हमें ये अवॉइड करना है। यूज एंड थ्रो टाइप का जो मटेरियल रहता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारे घर में नहीं रहता, इसलिए घर तो क्लीन रहेगा बट वो कम हमने जब थ्रो किया तो हम कहाँ थ्रो करने वाले हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में ही थ्रो करने वाले हैं, तो एक टाइप से हमारा एनवायरमेंट यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। इसके लिए हमें यूज एंड थ्रो टाइप आर्टिकल जो रहते हैं लाइक पेन्स, कैन, कोल्ड ड्रिंक्स, देन टेट्रापैक्स, इसको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ओके। और जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि डस्टबिन फॉर द वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट अगर सिंपल रहेगा तो वो हमें वहाँ पे यूज करना चाहिए। पेपर वेस्ट के लिए, ग्लास वेस्ट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, इन सब के लिए हमारे पास सेपरेट डस्टबिन अगर रहेंगे तो हम इजिली से वेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कितना आप डायग्राम देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें रिसाइकल करना है पेपर, तो हम सब एक पेपर डस्टबिन जो है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन हम बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट एंड रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इजी हम कर सकते हैं। तो ऐसे हैबिट्स हमें आज के बाद लगाने हैं, हमारा एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम देंगे इन हैबिट्स की वजह से, क्लियर। अब कुछ वेस्ट के बारे में जो हम डेली हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो डिग्रेडेबल वेस्ट जनरली कितना टाइम लगता है उसको, कितने पीरियड में वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है, उसके बारे में हम एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज बनाना पीलिंग्स, जो हर सब लोगों को पता है कि हम बनाना खाने के बाद उनके जो पिल्स रहते हैं वो डिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, तो उनको हम ये तो थ्रो करेंगे नहीं तो डस्टबिन में डालेंगे। सपोज अगर हम उनको डिग्रेड करने की कोशिश की तो ये 3 to 4 weeks इसको डिग्रेड होने के लिए लगते हैं। देन क्लॉथ बैग, अगर क्लॉथ बैग खराब हो गई यूज करने के बाद तो 1 month के बाद वो डिग्रेड हो सकती है, 1 month उसके डिग्रेडेशन के लिए चाहिए। देन रैग्स है जिनको कम से कम 5 month का पीरियड लगता है। देन वुलन सॉक्स अगर है तो 1 year लगता है उनको नेचुरली डिग्रेड होने के लिए। देन वुड अगर है तो नेचुरली वुड का डिग्रेडेशन होने के लिए 10 to 15 years लगते हैं। लेदर के अगर शूज है तो उनका डिग्रेडेशन के लिए 40 to 50 years लगते हैं। टीन कैंस जो हम यूज करते हैं उनको अगर डिग्रेड होना है नेचुरली तो 50 to 100 years तक का पीरियड लगता है। देन एल्यूमिनियम कैंस जो आजकल हर घर में यूज किए जाते हैं उसको नेचुरली डिग्रेड होने के लिए 200 to 250 years इतना टाइम लगता है। मतलब हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हमारा जो टोटल लाइफ पीरियड है उसके 3 times से ज्यादा इतना टाइम डिग्रेड होने के लिए लगता है। मतलब हमारे एक एल्यूमिनियम कैन की वजह से हम 250 इयर्स नेचर को एंगेज करते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए, राइट। देन अगर प्लास्टिक बैग है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 lakh years रिक्वायर्ड फॉर द नेचुरल डिग्रेडेशन, और इतने साल हमारा नेचर यूजफुल एक्टिविटी की जगह पे ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह इन बैग्स को अगर डिग्रेड करता बैठा तो कितना लॉस ह्यूमन बीइंग को होने वाला है, राइट। एंड देन थर्मोकोल और स्टायरोफोम टाइप कप अगर आप यूज करते हो तो इनफिनाइट टाइम उसको डिग्रेड होने के लिए लगता है। तो अगर आप सिंपल इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे ईच एंड एवरी एक्टिविटी की वजह से हम
एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचाते हैं आप ये देख सकते हो, और हम कितना बिजी रख रहे हैं नेचर को वेरियस माइक्रोब्स जो कि डिग्रेडेशन करते हैं, तो इन माइक्रोब्स का कितना टाइम चला जाता है अनवांटेड चीजों को डिग्रेड करने में। अगर यही माइक्रोब डिग्रेडेबल थिंग्स को डिग्रेड जल्दी डिकम्पोज करेंगे तो उसका यूज तो होने वाला है, बट टिन कैंस, एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक बैग्स, इनका यूज कंपलसरी नहीं है। हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं इनके लिए, अगर वो हम करेंगे तो एक टाइप से हम हमारे नेचर को सेव कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको ये जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें से जो चीजें जल्द से जल्द डिग्रेड होती है वही यूज करनी है, बाकी की चीजों को यूज नहीं करना है। ये हैबिट हमें आज के बाद खुद में अडॉप्ट करना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।